हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल ग्लोरियस रूबर गेमिंग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो यार आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं न्यू सेलिब्रेशन टाइम इवेंट के ऊपर, जो कि पबजी मोबाइल के अंदर 29/1/2021 को लॉन्च किया गया है और इसके अंदर आप लोगों को काफ़ी ओपी रिवॉर्ड देखने को मिल जाएंगे आउटफिट्स। तो बट ये रिमेंबर रखिएगा कि ये जो आउटफिट्स हैं, 7 आउटफिट्स आप लोगों को इस इवेंट के अंदर देखने को मिलेंगे, टाइम लिमिटेड होंगे। मतलब कि कुछ देर के लिए आप इनको पहन के इन्जॉय कर सकते हो, उसके बाद आप लोगों के ये रिमूव हो जाएंगे, या अगर आप लोगों को पसंद ना भी आए तो आप लोग डिसमेंटल करिए, कुछ बीपी कॉइंस ले सकते हो इन आउटफिट से। तो बट मैं तो आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग इसको पहन के फिर लो एक दिन, मतलब कि इन्जॉय करो, बिकॉज वन डेज के ये हैं सारे आउटफिट। तो काफ़ी ओपी हैं और काफ़ी आप लोग इनको यूं बाय नहीं कर सकते यूज़ से, बिकॉज इनकी कॉस्ट काफ़ी हाई है सब आउटफिट्स की। तो ये जो इवेंट है, ये सेलिब्रेशन टाइम का, ये 7 डेज़ का इवेंट है और आप लोगों को हर रोज़ एक लॉगिन करने पे एक ड्रेस मिलेगा। तो चलो यार चलते हैं इवेंट्स के अंदर, आप लोगों को दिखा देता हूँ कि बाकी आउटफिट्स क्या हैं। तो सिंपली आप लोगों को इवेंट्स के अंदर जाना है और रिकमेंडेड के ऑप्शन में जाके आप लोगों को सबसे नीचे देखने को मिल जाएगा सेलिब्रेशन टाइम का इवेंट। तो सिंपली आप लोग सेलिब्रेशन टाइम के अंदर जैसे जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों को आउटफिट्स देखने को मिल जाएंगे, 7 आउटफिट्स। तो सेकंड आउटफिट भी काफ़ी ओपी है, उसको भी मैं पहन के कुछ देर फिरना चाहूँगा बिकॉज मेरे पास नहीं है। तो पहले दिन पर मुझे ये मिला था, ये कम्फर्टेबल पांडा सेट जो कि अभी मैंने पहना हुआ है, और सेकंड डेज पे मुझे मिलेगा एग क्रैकर सूट जो कि 1 डेज का होगा। उसके बाद थर्ड डे पे मुझे मिलेगा रेड स्ट्रीक सेट जो कि 1 डे का होगा ड्यूरेशन। उसके बाद फोर्थ डे पे मुझे मिलेगा पास ग्लोरी सेट जो कि 1 डे का होगा। उसके बाद फाइव डे पे मुझे मिलेगा बनी गर्ल सूट जो कि 1 डे की सेम ड्यूरेशन होगी। और सिक्स डेज पे मुझे मिलेगा फेरल सेवेंजर सेट, और लास्ट डे मुझे मिलेगा एक्सटर्मिनेटर सेट। तो आप लोग देख सकते हो 7 आउटफिट्स हैं, सबका टाइम जो है वो 1 डे है। जैसे ही आप लोग दूसरा लोगे, मतलब कि पुराना जो है वो डिसमेंटल हो चुका होगा, ऑलरेडी रिमूव हो चुका होगा, सॉरी डिसमेंटल तो नहीं। तो अगर आप लोगों को कोई सेट ना भी पसंद है तो सिंपली आप लोग जाकर डिसमेंटल कर सकते हो। तो ये था इसका टोटल इवेंट। तो अगर आप लोगों को ये इवेंट पसंद है और इसके आउटफिट्स आप लोग इन्जॉय कर सकते हो तो कर लो, काफ़ी अच्छा रहेगा। मतलब कि थोड़ी देर पहन के फिर लो, मज़ा आएगा, लो भी वीडियो बना सकते हो इसके साथ आप लोग आउटफिट्स के साथ। तो डिसमेंटल करने का अगर आप लोग कहते हो तो देख लेते हैं डिसमेंटल भी कितने का होता है। तो डिसमेंटल करने का वैसे कुछ फ़ायदा होने नहीं वाला। तो देखो 130 जस्ट बीपी कॉइन का डिसमेंटल हो रहा है, अच्छा तो आप लोग पहन के फिर लो, इसे तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोग तो भाई पहन के फिरेंगे इन सारे आउटफिट्स को एक एक दिन, बाकी अपने आउटफिट्स छोड़ देते हैं बिकॉज इनमें से कोई भी एक आउटफिट नहीं है जो मेरे पास अभी हो। तो इसलिए सबको इन्जॉय करेंगे एक एक दिन पहन के, जब गेम खेलेंगे तो इन्हीं आउटफिट से खेलेंगे तो चलो मज़ा ही आ जाएगा थोड़ा सा। तो आप लोग बताना कि आप लोग क्या करने वाले हो, डिसमेंटल कर दोगे या इनको पहन के फिरोगे, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और बताना कि इवेंट आप लोगों को कैसा दिखा लग रहा है देखने में, आप लोग इसको इन्जॉय कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो चलो यार मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद अ न्यू टॉपिक। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दो फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।